हाय फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के लिए एक स्पेशल रेसिपी, तिरंगा रेसिपी बनाएंगे। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ ब्रेड, 5-6 ब्रेड ली हूँ और ब्रेड को कट कर लेती हूँ और तिरंगा रेसिपी बना के तैयार कर लेती हूँ। हार्ड पार्ट को हटा दूँगी तिरंगा रेसिपी बनाने के लिए। अब इसे 4 पीसेज में कट कर लूँगी। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब तिरंगा रेसिपी बनके तैयार होती है। तो देखिए इस प्रकार से कट करना है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। अब मैं गैस पे पैन चढ़ा देती हूँ और पैन के अंदर चीनी डाल देती हूँ और चाशनी बना के तैयार कर लेती हूँ तिरंगा रेसिपी बनाने के लिए। मैं पानी ऐड कर दी हूँ और चाशनी बना लेती हूँ। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, जो चीनी अच्छी तरह से पिघल गई और चाशनी बन जाएगी। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब तिरंगा रेसिपी बना के तैयार करेंगे। बच्चे देखते ही खुश हो जाएंगे तिरंगा रेसिपी को। चाशनी बन के तैयार हो गई। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रख दूंगी। थोड़ी देर के बाद, ठंडे होने के बाद में मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तीनों कटोरी के अंदर। तिरंगा रेसिपी बनाएंगे जब तीनों कटोरी के अंदर ही डालेंगे। अब मैं इसके अंदर फूड कलर डाल देती हूँ, जो तिरंगे के कलर आते हैं वो। मैं केसरिया कलर डाल देती हूँ इसके अंदर। केसरिया कलर को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड कर दूंगी। ग्रीन कलर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं एक एक पीस लेके और शुगर सिरप के अंदर डुबो डुबो के और इसे तैयार कर लेती हूँ। व्हाइट वाली को मैं चाशनी के अंदर डुबो डुबो के निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर ग्रीन और केसरिया कलर लग जाएगा तो फिर हाथ के फिर ये भी कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट नहीं रहेगा। इसलिए मैं पहली व्हाइट को इसे चाशनी के अंदर डुबो रही हूँ और फिर मैं ग्रीन को डुबोंगी। अब ग्रीन को डुबो देती हूँ चाशनी के अंदर और चाशनी को अच्छी तरह से जारना है, क्योंकि एक दूसरे के कलर ना लगे, चाशनी का रस ज़्यादा रहेगा तो। बहुत टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है, एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब तिरंगा रेसिपी। अब मैं केसरिया कलर में इसे रंग लेती हूँ और तिरंगा रेसिपी बना के तैयार कर लेती हूँ। सभी को अच्छी तरह से केसरिया कलर में, तो देखिए तीनों अच्छी तरह से केसरिया कलर में कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं 2 ब्रेड और ले लेती हूँ और इसे कट कर लेती हूँ इसके अंदर गोल साइज में बनाने के लिए। अब मैं तीनों को अलग अलग कलर में बना लेती हूँ तिरंगा बनाने के लिए। केसरिया कलर की चाशनी के अंदर डाल दी हूँ मैं। चाशनी को अच्छी तरह से जाना है। अब व्हाइट के अंदर डाल देती हूँ और अब येलो के अंदर डाल देती हूँ। तो तिरंगा रेसिपी बन के तैयार हो गई, एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब। अब मैं एक स्टिक ले लेती हूँ और स्टिक के अंदर, स्टिक से आपको तिरंगा बना के दिखाती हूँ मैं। केसरिया कलर की मैं लगा देती हूँ। अब मैं व्हाइट लगाऊंगी, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की मिठाई लगा दी हूँ। अब मैं ग्रीन मिठाई लगाऊंगी। देखिए एकदम टेस्टी तिरंगा मिठाई बनके तैयार हो गई, एकदम टेस्टी तिरंगा मिठाई बनके तैयार हो गई। ऐसे करके मैं सभी को बना के तैयार कर लूँगी।
एक एक करके मैं सभी को बना के तैयार कर लूँगी। अब गोल वाली को बना लेती हूँ। वाह, कितना अच्छा, कितना प्यारा तिरंगा कलर आया है। रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर कलर थोड़ा अलग दिख रहा है। ऐसे करके मैं सभी को तैयार करके रख ली हूँ। नवे रसोई के अंदर आपको तिरंगा रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। धन्यवाद।